जमीनी विवाद में युवक को लगी गोली, हालत गंभीर। बीती रात जमीनी संबंधी विवाद में मारी गई गोली, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में, मुकदमा दर्ज। बीते गुरुवार दीपावली की रात करीब 9 बजे जनपद के जियरपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जमीनी संबंधी विवाद में पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। गोली उसके हाथ में लगी, घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मामले में आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार जयपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सतना बाजार में धुपाई सिंह और प्रदीप सिंह के घर से जमीनी संबंधी पुरानी रंजिश चली आ रही थी। 31 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे लक्ष्मी जी की पूजा चल रही थी, उसी बीच प्रदीप नशे की हालत में अपने घर पहुंचे और घर वालों ने उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया। बुलाने पर भी घर वाले दरवाजा नहीं खोला। वह छत पर चढ़कर शौचालय से होते हुए वह धुपई सिंह के घर के पास बने शौचालय के पास पहुंच गया। वहां मौजूद अवनीश से प्रदीप ने पूछा कि कर्मवीर कहां है, तो उसने कहा वो यहां नहीं है। नशे में धुत प्रदीप ने फायर कर दिया, गोली अवनीश के हाथ में लग गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस ने आरोपी प्रदीप को हिरासत में लेकर थाने आई, पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिला अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा है। कल दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को थाना जीएनपुर पर रात में लगभग 9 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि किसी जमीनी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति ने गोली चला दी है, जिससे प्रतिवादी के हाथ पर गोली लग गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना जीएनपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में उपचार हेतु भिजवाया गया। इसके अतिरिक्त जो जिसने गोली चलाई थी उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।